ग्वालियर में भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने कांग्रेस पर निशाना साधा। विजयवर्गीय ने कहा कि 15 महीने की कमलनाथ सरकार ने कोई काम नहीं किया, कांग्रेस ने जनता का भरोसा खो दिया है, अब कांग्रेस का अस्तित्व नहीं बचा। कांग्रेस मध्य प्रदेश नहीं सारे देश में बिल्कुल जाऊं जाऊं पार्टी हो गई है। अभी कांग्रेस का कोई अस्तित्व बचा नहीं और कांग्रेस के प्रति लोगों को विश्वास भी नहीं। राजनीति में विश्वास बहुत जरूरी है। 15 महीने की कमलनाथ जी की सरकार ने जिस तरीके से सरकार चलाई है तो वो विश्वास खो चुकी है और इसलिए मुझे नहीं लगता कि कोई कांग्रेस का प्रभाव समाज के अंदर बचा है। और जहाँ तक चंबल ग्वालियर का सवाल है, हमारी ताकत बढ़ी है, सिंधिया जी हमारे साथ आने के बाद हमारी ताकत बढ़ी है और हम बहुत अच्छी सीटें यहाँ से जीतेंगे। कोई हासिल पे नहीं है, सबके पास काम है। जयभान सिंह जी महाराष्ट्र जैसे बड़े प्रदेश के सहप्रभारी हैं, प्रभात जी अभियान प्रदेश का दौरा कर रहे हैं, इसलिए सबके पास काम है। और भारतीय जनता पार्टी में हमेशा नए लोगों को ही मौका मिलता है तो नए लोग भी तैयार हो गए बहुत सारे ग्वालियर चंबल संभाग में और इसलिए सब कार्यकर्ता हमारे लिए महत्वपूर्ण है और सीनियर लीडर तो और ज़्यादा महत्वपूर्ण। मैं नहीं मानता कि इससे बहुत ज़्यादा कोई फर्क पड़ेगा। जो हम ओबीसी समाज के लोगों के साथ बैठेंगे तो उन्हें समझा देंगे, ओबीसी समाज को इससे कोई फर्क नहीं।